हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो आज के क्लास में हम लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में से आइडियलिज्म के बारे में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वो चाहे नेट, सेट, सीटेट, एसएसबी, केवीएस, बीएड या कोई भी टीचिंग एग्जाम है, इन सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसी के थ्रू हम कंसेप्ट को भी समझेंगे अच्छे से। सो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी देन डेफिनेटली एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेफिनेटली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियलिस्ट करिकुलम इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, एथिक्स एंड स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। बोलिए आंसर। तो पहले अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन मैं जब आंसर दूंगी तो अपने आंसर से इस आंसर को मैच कीजिएगा, देन देखिएगा आउट ऑफ 22 आपका कितना सही हुआ है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिक्स एंड स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। सो जैसे आइडियलिस्ट बोलते हैं, वो हमेशा से ह्यूमैनिटी स्टडी, मॉरल वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में बिलीव करते थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियलिस्ट क्लेम दैट रियलिटी एग्जिस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड, इन द स्पिरिट ऑफ मैन, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पेरिकल टेस्टेड ट्रूथ। बोलिए आंसर। सभी मैंने बताया, वो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट ऑफ मैन, इस सब पर मैंने आइडियल थॉट्स, इस सब में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन द स्पिरिट ऑफ मैन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एम्फसाइजेस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन, प्रैग्मेटिस्ट, आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड रियलिस्टिक। बताइए। सो द आंसर इज बी, आइडियलिस्टिक। सो यहाँ पे मैं आइडियलिस्टिक के ऊपर एमसीक्यू बना रही हूँ, इसके वजह से आप सिर्फ आइडियलिस्टिक आंसर मत दे देना, क्योंकि क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा ना, तो सारे दिए होंगे, सारे पढ़े होंगे आप, तो आपको आंसर इस क्वेश्चन के आना चाहिए, जैसे कि ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस किसके, ये आपको याद रहना चाहिए आइडियलिस्टिक। देन चलिए नेक्स्ट। द आइडियलिस्टिक गिव मच इंपॉर्टेंस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन। बताइए आंसर। सो आंसर इज ए, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि आइडियलिस्ट जो थे, आइडियल थॉट बिलीव, उनमें क्या था कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, इंसान खुद पे खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एक्सलेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। बताइए। सो आंसर इज डी, यानी कि आइडियलिज्म। इन सारे क्वेश्चन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आता है। आप यहाँ पे सिर्फ आइडियलिज्म का हो रहा है, इस वजह से आइडियलिज्म मत दे देना। ओके, सो आइडियलिज्म रिकॉग्नाइज आइडियाज, फीलिंग एंड आइडियल मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन, ह्यूमन सोल, मटेरियल ऑब्जेक्ट और स्पिरिचुअल लेसंस। बताइए, आइडियलिज्म जो आइडिया, फीलिंग्स और आइडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, किससे? आंसर होगा सी, यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म हमेशा मटेरियल से ज़्यादा आइडियल थॉट और फीलिंग्स को इंपॉर्टेंट देता है, ये बात याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियलिज्म स्ट्रेस द सेंट्रल रोल ऑफ द आइडियल इज स्पिरिचुअल, फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस। ये आसान होगा, अभी मैंने बताया। सो आंसर इज स्पिरिचुअल। ओके, सो द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एसेंशियल नेचर ऑफ मैन इज स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, मटेरियल और वन ऑफ द अबव। एसेंशियल नेचर क्या होना चाहिए आइडियलिज्म के हिसाब से? ये स्पिरिचुअल, यानी कि उनका मानना था इंसान एक अच्छा इंसान बने जो स्पिरिचुअलिटी रहे, आइडियल के साथ रहे, ये मानना था आइडियलिज्म का। ओके, देन फादर ऑफ आइडियलिज्म इन ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन के फादर कौन थे? रूशो, डीवे, प्लेटो, नॉन ऑफ द अबव। सो आंसर इज प्लेटो। प्लेटो थे क्या आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन के फादर। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एक्सलेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन। बताइए, मैक्सिमिज्म, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एंड मैक्सिमिज्म बोथ एंड प्रैग्मेटिज्म। यस, इज आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि आइडियलिज्म एंड मैक्सिमिज्म बोथ का ये मानना था। देन चलिए नेक्स्ट। वट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के हिसाब से गोल क्या होना चाहिए? रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, परफेक्ट एडॉप्शन ऑफ द टू द एनवायरमेंट और कल्टिवेशन ऑफ डायनेमिक एडॉप्टेबल माइंड विच विल बी रिसोर्सफुल एंड एंटरप्रेनिंग इन ऑल सिचुएशन। बोलिए। सो आंसर इज ए, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू। उनका मेन मानना था कि रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू, मोरालिटी, वैल्यूज, ये सबको वो इंपॉर्टेंस देते थे। देन चलिए नेक्स्ट।
Which philosophy of education considers psychology as an incomplete study of an inadequate basic of educational theory? बताइए, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आंसर क्या होगा? सो आंसर इज आइडियलिज्म. सो नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल ऑफ आइडियलिस्ट? एजुकेशनल गोल क्या नहीं है? स्किल, केयर ऑफ बॉडी, मोरल वैल्यूज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी मैंने बताया. सो केयर ऑफ बॉडी, वो बॉडी को ज़्यादा मायने नहीं देते, तो वो हमेशा आइडिया, थॉट, इन सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट देते थे, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में. सो नेक्स्ट इज, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय. रिलीजियस एजुकेशन किस थॉट्स में इंपॉर्टेंस दिया जाता था? रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट और एग्जिस्टेंशलिस्ट. सो ऑब्वियसली आइडियलिस्टिक, क्योंकि आइडियलिस्ट ही रिलीजियस वैल्यू, इमोशन, मोरल वैल्यू, इस सब के बारे में बता रहा था. नेक्स्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड अबाउट आइडियलिस्ट? आइडियलिस्ट के क्या मानना था? दैट दे लाइक रोजेस, दे आर कंटेंट विथ बैरियर्स, दे वांट रोज एंड बैरियर्स बोथ, दे आर सैटिस्फाइड नाइदर विथ बैरियर्स नॉर विथ रोजेस. बताइए. सो आंसर इज ऑप्शन डी. जैसे मैंने बताया कि वो लोग क्या ना, कुछ में से मोह माया ये सब में, मैंने मतलब फिजिकल जो वर्ल्ड होता है उसकी मोह माया में नहीं पड़ते. उनका मानना था आइडिया, थॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ऑब्जेक्ट जो रियलिटी में हमें देखते हैं उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा आइडिया जो होता है, थॉट जो होता है. सो उन्हें किससे भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही रोज से फर्क पड़ता है, ना ही किसी भी, जैसे ऑब्जेक्ट जिन चीज होती है, मेटेरियल चीज में उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनटू एन एंजॉयबल, रैशनल, हार्मोनियसली बैलेंस्ड, यूजफुल एंड हेंस नेचुरल लाइफ. Which school of philosophy of education believes that? बताइए. So answer is P, idealism. Okay. So the next is, the child is an integral part of the ultimate universe is the viewpoint of. बताइए. Realism, pragmatism, existentialism और idealism. इसे जो idealism होते हैं वो भी child को integral part को मानते थे. Then चलिए next. आगे जाके जानेंगे naturalism भी इसको मानते थे. And the next is, the school of philosophy which uphold the primacy of mind over matter. जो mind को ज़्यादा importance देते matter के ऊपर, बताइए, अभी मैंने बताया. So idealism क्या कर रहे थे? वो हमेशा mind को ही ज़्यादा importance देते थे rather than matter. वो materialistic world, physical world से ज़्यादा, मतलब spiritual world, ideal world, mind, इन सबको importance देते थे. Okay, so next is, सो इस क्वेश्चन में एक व्यू पॉइंट दिया गया है, आपको इसको इवैल्यूएट करना है कि ये क्या है. से इवैल्यूएट द व्यू पॉइंट, द चाइल्ड नो बेटर देन एनी अदर एजुकेटर व्हाट ही शुड लर्न, व्हेन एंड हाउ ही शुड लर्न इट. बताइए ये क्या है? प्रैक्टिकल बट नॉट करेक्ट, प्रैक्टिकल है लेकिन सही नहीं है, करेक्ट बट नॉट प्रैक्टिकल, करेक्ट एंड प्रैक्टिकल बोथ, एंड 100% करेक्ट. बताइए आंसर क्या है? सो आंसर इज बी, यानी कि करेक्ट बट नॉट प्रैक्टिकल. क्योंकि ये जो पॉइंट, ये सही तो है लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है. क्योंकि अगर आप चाइल्ड को इसे छोड़ दें, हर एक चाइल्ड ना इतना टैलेंटेड नहीं होता वो कैप्चर कर सकता है. ओके, तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है. एजुकेशनल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म एम्फसिस ऑन साइंटिफिक नॉलेज, फिजिकल वर्ल्ड, थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद फ्रीडम. बोलते हैं, सो आंसर इज सी, यानी कि थिंकिंग एंड रीजनिंग. सो आइडियलिज्म होता है, मैंने पहले बताया, वो थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो आइडिया, थॉट्स, इस सब को इंपॉर्टेंट देते थे. सो जहाँ पे भी ब्रेन से रिलेटेड, थॉट्स से रिलेटेड आंसर आए, आप सिर्फ आइडियलिज्म को क्लिक करना. देन चलिए नेक्स्ट, द थ्योरी दैट होल्ड रीजन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज. बताइए रीजन क्या है? जैसे आइडियलिज्म के मानता है, रियलिज्म मानता है, नेचुरलिज्म या कोई भी नहीं. सो ऑब्वियसली अभी मैंने पढ़ा है कि आइडियलिज्म मानता है कोई, रीजन को मानता है, इंपॉर्टेंस देता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइन आर्ट्स एंड एस्थेटिक आर गिवन टॉप प्रायोरिटी इन द करिकुलम बाय नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, आइडियलिज्म. सो ऑब्वियसली आंसर इज आइडियलिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फाइन एस्थेटिक वैल्यू, फाइन आर्ट्स, ये सारे चीज़ कहाँ पे, आइडियलिज्म को इम्पोर्टेंस देते हैं. सो थैंक यू, ये था आज का टोटल 22 क्वेश्चन. सो अगर आपका कोई भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड अगर आपको चैनल अच्छे लगे देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेचुरलिज्म के बारे में कुछ MCQ सॉल्व करेंगे. तब तक सेफ रहिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल लीजिए.